यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, कैम शो, आज हम एक ऐसी अंधेरी दुनिया का रास्ता खोलने वाले हैं जिसे माइनक्राफ्ट में कहते हैं नेदर पोर्टल। फिलहाल मैं अपने घर के ना तीसरे फ्लोर का काम चालू करने का सोच रहा हूँ। फिलहाल तो अभी मैंने सिर्फ सीढ़ियों का काम ही चालू किया है। ये दरवाज़ा मैंने पहले इसलिए लगा दिया क्योंकि मेरे विलेजर ना बात बात पे भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे चढ़ने में मुझे हमेशा दिक्कत क्यों आती है? तो मेरे घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से से कुछ इस तरीके का लुक दिखता है, जंगल, पेड़ पौधे और समंदर का। हाँ ठीक है ठीक है, वो समंदर नहीं, नदी है। मुझे उस काली अंधेरी दुनिया को खोलने के लिए जाए होंगे ऑब्सिडियन, और मुझे ऑब्सिडियन मिलेंगे जमीन के गहराइयों में छुपे हुए लावा से, और उन ऑब्सिडियन को सिर्फ डायमंड की पिकेक्स तोड़ सकती है। सबसे पहले ना डायमंड की पिकेक्स ही बनाते हैं। मेरे पास टोटल 9 डायमंड्स है जिससे मैं 3 पिकेक्स तो आराम से बना सकता हूँ। फिलहाल तो मैं लकड़ी को स्टिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस स्टिक की मदद से मुझे पिकेक्स भी बनानी है, उसके अलावा बहुत सारी टॉर्च भी बनानी है क्योंकि मुझे लावा को ढूंढने के लिए अंधेरी गुफाओं में जाना होगा, और इसलिए वहाँ पर टॉर्च का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। आपको याद होगा कि मैं पिछली बार जब कोल को ढूंढने के लिए गया था तो मुझे बहुत सारा आयरन मिला था, तो ये रहा वो आयरन। और एक मिनट, ये क्या था? पता नहीं अभी कुछ अजीब सा हुआ, पर कोई बात नहीं, आयरन को लेते हैं फटाफट से, निकलते हैं फिर से। गैस यहाँ पे ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। मैं जब भी चेस्ट खोल रहा हूँ, चेस्ट अपने आप बंद हो रही है। कहीं मैं अंधेरी दुनिया के रास्ते को खोलने जा रहा हूँ, इसलिए तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। आर यू कॉमेडी मी? वो जो भी हो, बट आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने घर में एक छोटा सा बदलाव किया है जिससे घर पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं घर पे आ तो गया हूँ, मुझे पक्का पता है जितना समय मुझे चीज़ों को लाने में लगता है उससे कई गुना ज़्यादा समय मुझे इस दरवाजे को खोलने में ही लग जाता है। आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दरवाज़ा खुलता तो है, बट जब भी मैं उसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। इस बार उस दरवाजे से हम काफ़ी जल्दी अंदर आ गए। ओके, तो अभी अपना मेन काम करते हैं। जो मैं आयरन लाया था उसे मुझे फर्नेस में डालना होगा गर्म होने के लिए, और वो जब गर्म हो जाएगा उससे मैं नया आर्मर बनाऊंगा क्योंकि ज़मीन के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज, क्रीपर और स्केलेटन है, और उनसे लड़ने के लिए मुझे एक नया आर्मर की ज़रूरत है। और उसके अलावा मुझे 3 आयरन की पिकेक्स भी बनानी होगी क्योंकि डायमंड की पिकेक्स का यूज़ मैं सिर्फ ऑब्सिडियन खोदने के लिए करने वाला हूँ। अभी जब तक सारा आयरन गर्म नहीं हो जाता तब तक वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना काम आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो गाइस, अभी रात का दिन भी हो चुका है, अभी देखते हैं कि सारे आयरन गर्म हुए कि नहीं। ओके, ये वाला तो कम्प्लीट है, इसको रख लेते हैं। अरे तो बाजू में रहना, सोड खाएगा तब ही मानेगा क्या? ओके, तो ऊपर वाले के भी कम्प्लीट हो गए। मेरे ख्याल से अभी सारे कम्प्लीट हो गए होंगे। एक एक करके सभी को निकालते हैं, उसके बाद आयरन के हथियार भी तो बनाने हैं। ओके, तो सारे के सारे आयरन गर्म हो चुके हैं, तो अभी सबसे पहले 3 पिकेक्स को बनाते हैं। मेरे पास इस वक्त इतना आयरन पड़ा है ना, इससे माइनक्राफ्ट में हर वो चीज़ जो आयरन से बनती है उसे मैं आराम से इन 50 आयरन से ही बना सकता हूँ। यानी कि हम आयरन के मामले में तो बहुत अमीर हैं। तो अभी फटाफट से अपना आर्मर भी बना लेते हैं, फिर चलते हैं उस गुफा के अंदर जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑब्सिडियन मिलेंगे। अभी ना बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं आज तो फिलहाल के लिए नहीं जा सकता क्योंकि रात के मुकाबले बारिश में बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं। एक बार आप लोग मेरे आर्मर की हालत देखो, अगर ये आर्मर पहन के मैं नीचे जाता तो शायद से मेरा आर्मर टूट भी जाता। एक तो इन दरवाजों को खोलने में इतना झंझट होता है ना, बट क्या करें, विलेजर को रोकने का सिर्फ यही तरीका है क्योंकि इस दरवाजे को विलेजर नहीं खोल सकता, बट ये बारिश, रुक जा यार, रुक जा। तो फाइनली दिन का रात हो गया, फिर रात का दिन भी हो गया, तब जाके बारिश रुकी है। बस इस गड्ढे के अंदर ना ज़्यादा मोब ना हो, खास करके वो नीला क्रीपर। तो अभी पानी के सहारे धीरे धीरे करके नीचे उतरते हैं क्योंकि इसके अंदर हम अगर सीधा गिर गए तो मर भी सकते थे। मैंने पानी डाला था बट मुझे गिरने से पहले डालना चाहिए था। मैंने जो मसाला लगाए थे वो अभी तक जल रही है, क्या बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, बट मैं एक बार पहले यहाँ पे आ चुका हूँ और 2-3 बार तो मर भी चुका हूँ, और मैं आया भी 3 ही बार था। और अगर सीधा सीधा कहे तो मैं जब भी यहाँ पे जाता हूँ हमेशा मर ही जाता हूँ, बट मैं इस बार अपने साथ पानी लाया हूँ। यानी कि जब भी मुझे नीचे जाना होगा तो सबसे पहले मैं पानी डालूँगा, फिर उसके ऊपर जंप करूँगा, और उससे मुझे डैमेज भी नहीं पहुँचेगा। अभी मुझे सिर्फ क्रीपर का ध्यान रखना है। और मुझे सामने लावा दिख भी गया है, बस बिना किसी गड़बड़ के उसके पास पहुंच जाऊं। पूरे रास्ते में कहीं नहीं दिखा, पर मुझे जहां पे जाना है वहीं पे खड़ा है मनहूस।
इसको तो साले को पानी से गिरा के लावा से जला के मारूंगा। टांग अड़ाने कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, ये अपने आप को समझता क्या है? चलो फटा, एक काम अच्छा करके गया, मुझे ड्रिप स्टोन के लिए खोदना नहीं पड़ेगा। इस जगह पे लावा तो है बट ऑब्सीडियन पानी के नीचे है। इसका मतलब है अगर मैं ऑब्सीडियन को खोदता हूँ तो इसके नीचे लावा ही होगा और वो ऑब्सीडियन भी लावा में जल जाएगा। कोई ना, अभी किसी और जगह पे जाके देखते हैं, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। 5 minutes later. तो गैस, अभी मुझे जिस तरह के लावा की तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। बस मुझे इस लावा को ले जाकर, मैंने वहाँ पे जो पानी बनाया है वो आपको शायद से नहीं पता होगा, ये रहा पानी, यहाँ पे ला के रख देना है, ये अपने आप ऑब्सीडियन बन जाएगा। और यहाँ पे बन गया ऑब्सीडियन। ऐसा मुझे तब तक करते रहना होगा जब तक मुझे 12 ऑब्सीडियन नहीं मिल जाते। एक और चीज़ ये भी है कि अगर मैं गलती से इस लावा के अंदर गिर गया तो मैं तो मरूंगा ही बट मेरा सामान भी साथ में जल जाएगा, इसलिए मुझे एकदम संभाल के काम करना होगा। बस अभी इस ऑब्सीडियन को तोड़ते ही अपना काम कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द हम अंधेरे दुनिया में जाने का रास्ता खोल देंगे। तो गाइस, अभी हम फिलहाल उस जगह से बाहर तो आ गए हैं बट वहाँ से निकलते ही हम इस पेड़ के ऊपर अटक गए और मेरी हेल्थ भी बहुत कम हो गई है। धीरे धीरे उतरने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, बस पेड़ के नीचे कोई ज़ॉम्बी ना मिले। यहाँ वैसे भी मेरी हेल्थ कम है, ऊपर से वो अलग से मारेंगे। बस अभी आखिरी पेड़ बचा है, इसके बाद हम नीचे उतर जाएंगे बट यहाँ पे ज़ॉम्बी इसकी पूरी फौज आई हुई है और पीछे वहाँ पे भी क्रीपर भी फटा था और हमारा घर भी आ गया। तो गाइस, अभी सुबह भी हो चुकी है और अपने काम को अंजाम देने का वक्त भी आ गया है, बट उसके लिए मुझे एक छोटी सी चीज़ भी बनानी होगी जिसको शायद से फ्लिंट कहते हैं। तो अभी फ्लिंट को बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए थी मुझे, उसे मैं ले आया हूँ, क्योंकि उस छोटी सी चीज़ के बिना नेदर पोर्टल चालू ही नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा बना लेता हूँ ताकि आगे काम आ जाएगा। तो अभी चलते उस दरवाजे को खोलने के लिए और मैं उसे अपने घर की छत पर बनाने वाला हूँ ताकि मेरे अलावा कोई भी एरा गेरा उसे यूज़ ना कर सके। आखिरकार वो वक्त आ गया जब हम बनाएंगे नेदर पोर्टल, और ये रखा आखिरी पीस और अपना नेदर पोर्टल बनके रेडी हो गया है। बस एक छोटी सी चीज़ करनी बाकी रह रही है, जैसे हम इसके अंदर फ्लिंट का यूज़ करेंगे अपना नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस, फाइनली हमने दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा तो बना लिया है बट नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर जाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया लाइक करो, और अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में माइनक्राफ्ट की अंधेरी दुनिया में, तब तक के लिए बाय बाय।